अभी हमने जितने भी ऑप्शंस देखे हैं इलस्ट्रेटर के, उनको यूज़ करके उसमें से स्पेसिफिकली कोई शेप क्रिएट करने का ऑप्शन, और उसके बाद पाथ फाइंडर का ऑप्शन, तो मेजरली ये दो ऑप्शंस और पेंट टूल भी, तो ये दो तीन ऑप्शंस यूज़ करके हम कई सारे आइकॉन्स डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं अल्ट और स्क्रॉल करता हूँ, पहले प्रॉपरली मैं जूम आउट कर लेता हूँ कैनवास को, स्पेस बार प्रेस करने के बाद मैं इसको पैन कर सकता हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ, कंट्रोल ए से सारा कंटेंट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जितना भी मैंने बनाया था, और इसको डिलीट प्रेस करता हूँ। आइकॉन्स बनाने के लिए यहाँ पे एक तो आइकॉन लाइब्रेरी पहले से होती है, उसको ओपन करने के लिए विंडो, विंडो ओपन करने के बाद कई सारे विंडोज ओपन होंगे, यहाँ मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ और सबसे नीचे है सिंबॉल लाइब्रेरी का एक सिंबॉल है, सिंबॉल लाइब्रेरी के अंदर फिर और कई सारी लाइब्रेरीज है, उसमें मैं अभी के लिए वेब आइकॉन्स नाम का एक ऑप्शन चूज करता हूँ, और इसका एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर कुछ आइकॉन्स जो वेब आइकॉन यानी वेबसाइट वाले कुछ आइकॉन्स, सिंप्लीफाइड आइकॉन्स आपको दिखाई देंगे। इसमें जैसे कि ये चैट वाला आइकॉन है, ये फ्लॉपी यानी सेव वाला आइकॉन है, फ्लॉपी और एरो यानी डाउनलोड वाला आइकॉन है, ये प्रिंटर है, होम का बटन है, अनाउंसमेंट का कुछ बटन है, सर्च का बटन है या आइकॉन है। तो ये आइकॉन कैसे बनाए जाते हैं ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी जितने भी आइकॉन मैंने कैनवास पे लिए हैं वो पहले मैं बना के दिखाऊंगा। इसके तीन वीडियोस अप्रोक्सीमेट बनेंगे या दो या तीन वीडियो, जिसमें जितने भी आइकॉन्स इसके अंदर है एक एक करके मैं सबको कवर करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे चैट का आइकॉन कैसे बना है। उसके लिए मैं एक पेंट टूल लेता हूँ, सॉरी पेंट टूल से भी पहले मैं एक इलिप्स टूल लेता हूँ और एक ऐसा हल्का सा इलिप्स बनाता हूँ जो कि पूरा हुआ ब्लैक में फिल हुआ है और स्ट्रोक कुछ नहीं है। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रोक जो है वो ब्लैक होना चाहिए, फिल जो है वो वाइट या नन होना चाहिए, तो इसको नन भी नन पे रखता हूँ मैं, ये नन हो गया। अब इसी पे क्लिक करता हूँ, फिर से इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड रखते हुए इसके ऑप्शन यहाँ ऊपर आते हैं जिसमें मैं स्ट्रोक का विड्थ 1 के जगह थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 4 से भी और बढ़ाता हूँ, चलो इसको 12 कर देता हूँ, 12 ज़्यादा हो गया, 10 करता हूँ, ओके या 9 कर देता हूँ, चलो। इसके बाद पेंट टूल लेता हूँ और पेंट टूल में क्लिक करके ऐसा एक ट्रायंगल भी बना लेता हूँ, क्लोज्ड एरिया, तो ये जब राउंड आता है तो यू नो दैट इट इज क्लोज्ड। ये दोनों शेप्स बने हैं, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ या शिफ्ट करके प्लेस कर सकता हूँ, दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया। दोनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद विंडो, विंडो के अंदर पाथफाइंडर जो कि ऑलरेडी यहाँ पे राइट में ओपन है, पाथफाइंडर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन यूनाइट, यूनाइट पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो ये चैट का सिंबल बन गया। इसी तरह अगर मुझे प्रिंटर क्रिएट करना है तो इसमें कई सारे छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है ये पेपर का, जिसको एक छोटा सा कट है, तो मैं बनाता हूँ एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका स्ट्रोक कम कर देता हूँ और यहाँ पर एक टूल है लाइन सेगमेंट टूल, लाइन सेगमेंट टूल पे क्लिक करता हूँ, एक जगह पे क्लिक करके विदाउट रिलीजिंग उसको ड्रैग करता हूँ ऐसे, तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया। सिलेक्शन टूल लेके मैं चाहे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और पाथ फाइंडर के अंदर ये 5 नंबर का ऑप्शन है डिवाइड, डिवाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये डिवाइड भी हो गया लेकिन इसका एक ग्रुप बन गया। फिर इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ और खाली जगह पे क्लिक करके सबको डिसलेक्ट भी किया, फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से पेंट टूल, पेंट टूल के बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक करके मैं ये अंदर वाला पार्ट भी डिजाइन कर लेता हूँ, और अगर चाहो तो उसका साइज यानी स्ट्रोक विड्थ फिर से थोड़ी सी कमी, तो इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऊपर आ गया ऑप्शन, 4 के बजाय यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ थोड़ा सा अगर कम करना हो तो। इसके बाद ये पीछे वाला भी है छोटा सा पार्ट आप देख सकते हो, और ये भी है, तो मैं यहाँ जो रेक्टेंगल है उसके नीचे है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, तो एक ऐसा बड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल, बहुत छोटा करूंगा तो वो इलिप्टिकल आ जाएगा, तो हल्का सा इसे बड़ा कर लेता हूँ
प्रोपोर्शनेटली, और फिर इसको फिल कलर जो है वो ब्लैक कलर देता हूँ, और स्ट्रोक यहाँ पे है फिल कलर, फिल कलर को मैंने ब्लैक कर दिया, स्ट्रोक को नन करता हूँ, और इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको स्केल करता हूँ, ये ऊपर की तरफ लेता हूँ। अच्छा, ये स्केल करने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राउंडनेस का ऑप्शन है, थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, इसको छोटा भी करता हूँ, इतने साइज का रखता हूँ, चलो यहाँ पे लिया, और ये राउंडनेस थोड़ा और कम कर लेता हूँ मैं। और इसके बाद फिर एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, जैसे कि नॉर्मल रेक्टेंगल है, यहाँ से ऐसे क्लिक करके एक रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ, जिसका फिल कलर में व्हाइट रखता हूँ, तो ऐसे आ गया। ओके, इसके बाद और एक रेक्टेंगल जो एक ऐसे बनाता हूं, इसका फिल कलर चाहे तो नन, और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक रखता हूं, स्ट्रोक की विड्थ भी बढ़ा के रखता हूं, 3 करता हूं, और इसका फिल कलर व्हाइट दे देंगे, तो फिल कलर में इसको व्हाइट कलर देता हूं। फिर इसके बाद इसी का एक और डुप्लीकेट, अल्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट, चाहे तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और ये ऐसे पीछे की साइड में रखता हूँ, इसको ये आगे की तरफ है, इसको राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक से, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, या ये तो पीछे गया है मेरे ख्याल से, ये हॉलो है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर व्हाइट कलर देता हूँ, इसको हॉलो नहीं रखता हूँ। यस, तो ये बन गया, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी इसका एक ग्रुप भी बना सकता हूँ, ये बन गया प्रिंटर। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं ये फ्लॉपी वाला आइकॉन भी दिखाता हूँ, सेव वाला आइकॉन, यहाँ पे फिर से एक बार एक रेक्टेंगल बनाया, इसको स्ट्रोक भी है, ये लाइन लेता हूँ ऐसे डायगोनल, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड, तो पाथफाइंडर में डिवाइड, डिवाइड करने के बाद राइट क्लिक अनग्रुप, ये पार्ट निकाल दिया। उसके बाद एक और रेक्टेंगल लेता हूँ मैं ऐसे, और इसको फिल कलर ब्लैक, चाहे तो स्ट्रोक नन। इसके बाद और एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ यहाँ पर, इसमें बस फोरग्राउंड कलर जो है या फिल कलर जो है उसको वाइट कर देता हूँ, तो ये बन गया फ्लॉपी का सिंबल। ठीक उसी तरह घर का भी सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो रूफ है वो थोड़े थिक है, वॉल्स जो है वो थोड़े थिन है, तो सिंपल आप पेंट टूल लेके पेंट टूल को भी अगर चाहो तो स्ट्रोक उसका बड़ा रख के, जैसे कि 6 रखता हूँ, और ऐसा शेप बना सकता हूँ, इसी को सिलेक्ट फिर से एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, और इसको 6 के बजाय चाहो तो 10 पे रख सकता हूँ। ये थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना है, यहाँ का मुझे लेंथ थोड़ा कम लग रहा है, तो 2 नंबर का टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करो, एक बार क्लिक करके छोड़ो, फिर से एक बार क्लिक करके इसको ड्रैग करो, तो इसको अरेंज कर सकते हैं जितना भी कम ज़्यादा चाहिए उतना। और उसके बाद फिर से पेंट टूल, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस अगर किया तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल आएगा और वर्टिकल भी आ जाएगा, और इस पे क्लिक करता हूँ, इसका स्ट्रोक चाहे तो 10 के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा कम 6 रखता हूँ। अब इसका फिल कलर भी नन कर देता हूँ, इसमें फिर से एक बार रेक्टेंगल, चाहे तो स्ट्रोक नन, फिल ब्लैक, और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा चिमनी जैसा डिजाइन बना लिया। इसके अंदर और एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें और एक ऑप्शन है जो फ्लॉपी का हमने बनाया था, उसमें ये एरो वाला ऑप्शन भी है, तो जैसे हमने ये फ्लॉपी बनाया इसी में एरो बनाते हैं, उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ऐसा वाला लेता हूँ जिसका फिल ब्लैक है, और एक रेक्टेंगल लेता हूँ ऐसा वाला। अब ये रेक्टेंगल दोनों अलग अलग है, इनको सिलेक्ट करता हूँ और पाथफाइंडर में यूनाइट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से पेंट टूल के अंदर एड एंकर पॉइंट, यहाँ सेंटर में एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, फिर पेंट टूल में है डिलीट एंकर पॉइंट,
और ये नीचे के दो पॉइंट्स को मैं रिमूव करता हूँ तो ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल यहाँ पर लगा देता हूँ और उसके बाद इसको मैं स्ट्रोक यानी फिल स्ट्रोक कलर जो है वो वाइट देता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रोक का विड्थ मैं चाहे तो बढ़ा सकता हूँ और डिसेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो इट विल अपीयर एज इफ ये बहुत स्लिम हो गया, ये बहुत थिक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोसीजर इज सेम। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ऐसे लगता है कि वो कट किया हुआ है। सर्च का सिंबल, उसके लिए मैं बनाता हूँ सबसे पहले तो इलिप्स, शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बनाया। स्ट्रोक को ब्लैक करना है और फिल को वाइट या नन करना है। स्ट्रोक थोड़ा सा चाहे तो बढ़ाता हूँ मैं। उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल, आप देख सकते हो एक राउंडेड रेक्टेंगल काफी बढ़ा लिया मैंने पहले, और स्ट्रोक को ब्लैक करता हूँ, फिल को ब्लैक करता हूँ, स्ट्रोक को नन करता हूँ। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा भी कर लेता हूँ और ज्यादा छोटा, और इसको रोटेट भी कर लेता हूँ। और ऐसे रख दिया तो ये लेंस बन गया।